बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सूजी की ऐसी रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हम ले रहे हैं 1 चम्मच घी, 1/4 चम्मच राई दाना, 1/4 चम्मच जीरा। अब इसको मैं 30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लूँगी। 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, इसको भी 30 सेकंड्स या 10 सेकंड ज़्यादा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। याद रहे आपने ज़्यादा नहीं पकाना ताकि ये जल ना जाए। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी को हिला लेंगे अच्छी तरीके से ताकि तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें शामिल करेंगे 1 कप आलू जो कि मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिए थे, उनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम स्पाइसेस के साथ। इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। इसको मिक्स करते करते पकाएंगे यहाँ तक कि ये अच्छे तरीके से आटे की फॉर्म में आ जाएगा। याद रहे इसको दरमियानी आंच पर पकाना है, ज़्यादा आंच पर नहीं पकाना, नहीं तो ये जल जाएगा और सही से पकेगा नहीं। ये देखें दे, अब ये फॉर्म आटे की फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। अब मैं इसको ठंडा कर लूँ करने के लिए सेट कर दूँगी किसी भी स्पैचुला, या आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, मैंने हाथ के साथ ही किया था। ऊपर से कवल कर दें। अब हम इसको ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें यहाँ ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लूँगी। आप चाहे तो इसको लंबे लंबे भी कट कर सकते हैं। याद रहे ये सूजी अभी कच्ची है। ये काया मैंने इसलिए था ताकि इसका स्टार्च एक्टिवेट हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लिया और इसको हाथ की मदद से प्रेस करके इक्वल कर लेंगे। हमने ये दो दो एक एक दो दो डालकर आधे आधे पैच को एक बार फ्राई कर लूँगी, आधे पैच को दूसरी बार फ्राई कर लूँगी। अगर आप इनको क्रिस्प ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर हिला हिला कर बना सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बना रही तो मैं इसको तेज़ आंच पर हिला हिला कर बना रही हूँ। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
ये देख के भी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए, मैं अब तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बिल्कुल नरम है, आलू भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ऐसी और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर अगली नई रेसिपी के साथ मैं आपसे दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।